दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल और विराट कोहली को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बारिश के कारण रद्द हो सकता है गुजरात और बेंगलुरु का महामुकाबला। इस खबर को सुनकर मुंबई को मिली खुशखबरी तो वहीं बेंगलुरु को लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल के लीग स्टेज अंतिम दिन बाकी है और अंतिम मुकाबले से पहले अंक तालिका का समीकरण एक बार फिर गर्मा सकता है। तो आखिरकार अंतिम मुकाबला किस प्रकार से रद्द हो सकता है, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही में रद्द हो जाने के बाद किस टीम को फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, इस बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है, बेंगलुरु, मुंबई और राजस्थान में से कौन सी टीम प्लेऑफ में पहुंच सकती है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए बेताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम जानती है कि गुजरात टाइटंस के खिलाफ रविवार को शाम 7 बजे से शुरू होने वाले आईपीएल के आखिरी लीग मैच में जीत दर्ज करने के लिए उसे क्या करने की जरूरत है। विराट कोहली फिर से अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में लौट आए हैं, जबकि कप्तान फाफ डू प्लेसी अभी तक 600 से अधिक रन बनाकर आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे हैं। आरसीबी की टीम बेहतर नेट रन रेट के कारण मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स से आगे है। इन तीनों टीमों के समान 14 अंक है, लेकिन वो चौथे स्थान पर है। मुंबई को एक अन्य मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना करना है और उसके पास भी आरसीबी की तरह अपने अंकों की संख्या 16 तक पहुँचाने का मौका है। आरसीबी को अपने घरेलू मैदान पर खेलने का फायदा तो मिलेगा ही, साथ ही उसे तब तक मुंबई और सनराइजर्स के बीच दोपहर में होने वाले मैच का परिणाम भी पता चल जाएगा। लेकिन गुजरात के खिलाफ हार यानी अब सब खत्म। हार्दिक पांड्या की अगुवाई में गुजरात ने अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है और उनकी टीम लगातार दूसरे साल खिताब जीतने की दौड़ में आगे बनी हुई है। गुजरात की टीम ने 13 मैचों में 18 अंक लेकर लीग चरण में अपना पहला स्थान सुनिश्चित कर चुकी है और आरसीबी और गुजरात टाइटंस दोनों ही बड़ी जीत दर्ज करने के बाद इस मैच में उतरेंगे। हालांकि इस मुकाबले में मौसम विलेन का रोल अपना सकता है। जहां तक मौसम की बात है तो बारिश की संभावना बताई गई है, जो कि आरसीबी के लिए अच्छी खबर नहीं मानी जा सकती। आपको बता दें कि बेंगलुरु और गुजरात के बीच होने वाला मुकाबला चिन्नास्वामी के मैदान पर होगा, जहां पर बारिश का पूरा साया है। मुकाबले के दौरान 75% नमी देखने को मिल सकती है। साथ में मुकाबले के दौरान टेम्परेचर भी 27 डिग्री सेल्सियस का रहेगा। साथ में बारिश की संभावना है, यहाँ बारिश की संभावना 65% तक है और ऐसे में मुकाबले के दौरान बारिश आ सकती है। बारिश के आ जाने के बाद बेंगलुरु को नुकसान है और मुंबई को फायदा है, क्योंकि अगर मुकाबला रद्द होता है तो बेंगलुरु को 1 अंक मिलेगा और ऐसे में बेंगलुरु की टीम को मुंबई के नतीजे पर निगाह रखनी होगी। अगर मुंबई अपना अगला मुकाबला जीत जाती है तो बेंगलुरु ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगी, लेकिन अगर मुंबई हार जाती है तो उनको बारिश का फायदा हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बारिश के बावजूद बेंगलुरु की टीम प्लेऑफ में पहुंच पाएगी या नहीं? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।